हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कैपिटल गुड्स एंड कंसेप्ट्स एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। इससे पहले वाली क्लास में कुछ कैपिटल गुड्स रह गई थी, हमने बाकी रह गई थी, तो कैपिटल गुड्स की बात करें अब। तो कैपिटल गुड्स से फाइनल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑन द प्रोड्यूसर। दीज गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेवरल ईयर्स। कैपिटल गुड्स में कैपिटल ज़रूरी नहीं है कैपिटल ही हो, कैपिटल मीन्स रुपया पैसा नहीं है, या मशीनरी प्लांट ये सारी चीज़ें होती है वो कैपिटल में होती है और सेवरल ईयर्स के लिए यूज होती है, बहुत सारे ईयर्स के लिए ज़्यादा यूज होती है। इवेंट्स नट्स एंड बोल्ट्स फॉर नाइल्स एंड स्क्रू आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू। इन कॉन्ट्रास्ट कैपिटल गुड्स आर ऑफ हाई वैल्यू। कैपिटल में मशीनरी प्लांट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, लेकिन नट बॉल्स वगैरह जो लो वैल्यू है ना प्राइस में, वो नहीं इंक्लूड नहीं होती कैपिटल गुड्स में। जिनकी हाई वैल्यू होती है वो सारी चीज़ें, वो सब कैपिटल गुड्स में इंक्लूड होंगी। दस ओनली दोज फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज ए कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। Also, capital goods involve depreciation. It refers to loss of value of fixed assets owing in use owing of their wear and tear. Okay. Example की बात करूँ मैं, plant और machinery वो सारी की सारी capital goods होंगी। All machines are not capital goods. बात करते हैं इस point topic के ऊपर। It must be borne in mind that all machines are not capital goods. A sewing machine is in a tailoring shop in a fixed assets of the tailor. It is a capital goods. But the same machine with a consumer household is not a capital goods. एक टेलर के लिए एक सिलाई मशीन कैपिटल गुड्स है, और वही की वही सिलाई मशीन एक गृहिणी के लिए, housewife household के लिए वो मशीन कैपिटल नहीं है। इट इज़ सिंपली ए ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स लाइक बाय ए कार विद ए टूरिस्ट कंपनी, इट इज़ कैपिटल गुड्स। बट अ सेम कार विद ए कंज्यूमर हाउस होल्ड इज ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। जो एक कार है अगर टूरिस्ट कंपनी के द्वारा यूज हो रही है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स होगी, और अगर वही कार एक कस्टमर के द्वारा यूज हो रही है तो वो कार वो कैपिटल गुड्स नहीं मानी जाएगी। दस वाइल आइडेंटिफाइंग गुड्स एज कैपिटल गुड्स वी मस्ट मेक श्योर अबाउट इट्स एंड यूजर। जो चीज़ डिपेंड करती है कोई भी, वो एंड यूजर पर ही डिपेंड करिए। अगर हम कोई चीज़ को ड्यूरेबल मान रहे हैं, किसी को इंटरमीडिएट मान रहे हैं, किसी को फाइनल मान रहे हैं, किसी को कैपिटल गुड्स माने, वो सब उसके एंड यूज पर ही डिपेंड करती है कि वो क्या यूज किस तरीके से यूज करना चाह रहे हैं उसको। इट इज़ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स ऑन द अदर हैंड, इफ द एंड यूजर ऑफ ए ड्यूरेबल गुड्स इट इज़ ए प्रोड्यूसर, इट इज़ ए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज एज ए प्रोड्यूसर गुड्स नॉट ए कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स होनी चाहिए, वही सारी जो गुड्स होंगी वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स होंगी। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो सभी प्रोड्यूसर गुड्स है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं हम। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज गुड्स इंक्लूड गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर लाइक वुड यूज बाय ए फर्नीचर एंड गुड। सेकेंड, गुड्स विच आर यूज ए फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अनलाइक फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। दीज आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दीज
कैन नॉट बी रिपीटली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दस द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटली यूज इन द नेक्स्ट ईयर. फिक्स असेट्स और कैपिटल गुड्स ऑन द अदर हैंड्स आर रिपीटली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. ये बात की हमने स्टेटमेंट की कि ऑल जितनी भी जो कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती है, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती. इसके लिए मैंने आपको वुड और चेयर का एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट इज कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. वॉट इज इन्वेस्टमेंट? वी नो कैपिटल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज ए स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज ए स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. कैपिटल स्टॉक इम्प्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. लार्जर द कैपिटल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर, ग्रेटर इज देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज देयर कैपिटल स्टॉक सो दैट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीज ओवर टाइम. इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर. इन्वेस्टमेंट इक्वल टू डेल्टा कैपिटल. डेल्टा के मीन्स आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, के मीन्स कैपिटल स्टॉक, डेल्टा के मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है अगर किसी के कैपिटल में किसी एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर में चेंजेज हो रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होगा. इन्वेस्टमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो कैपिटल बढ़ रही है और घटने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल में चेंज हो रहा है इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहेंगे. सो दैट द टर्म्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी यूज इंटरचेंजबली. दस इन्वेस्टमेंट मे बी डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन और ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट की बात की है मैंने. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट के मैंने कैपिटल बताया कि क्या है, और इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक कैपिटल के जो स्टॉक में चेंजेज होते हैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. कोई भी प्रोड्यूसर है उसके फिक्स असेट्स में अगर स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है तो उसे फिक्स इन्वेस्टमेंट कहेंगे. फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी कॉज फिक्स इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2013 ए प्रोड्यूसर हैज स्टॉक ऑफ 5 मशीन्स एंड एट द एंड ऑफ 2013 हैज ए स्टॉक ऑफ 7 मशीन्स. Then the stock of fixed assets increased by 2 machine during the year 2013. जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है 2 मशीन के साथ. फिक्स इन्वेस्टमेंट इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट निकाला 7 - 5 = 2. अब बात करें हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर हैव बीन देम द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अनसोल्ड गुड्स. सेकेंड इज सेमी फिनिश गुड्स, गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड थर्ड इज रॉ मटेरियल. दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक. जो इन्वेंट्री स्टॉक होगा वो 3 टाइप का होगा. स्टॉक को कहेंगे फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड सेमी फिनिश गुड्स कह सकते हैं इसे, वर्क इन WIP भी कह सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस. एंड थर्ड इज रॉ मटेरियल. दस स्टॉक
वेराइंग ओवर टाइम चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इट्स कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब बात करें हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स इन प्लेस ऑफ वन आउट असेट्स। ग्रॉस मीन्स जो अकाउंटिंग ईयर अकाउंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसको कहेंगे अपन जो एक्सपेंडिचर हो रहा है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में फिक्स असेट्स के परचेज करने पर प्लस अकाउंटिंग ईयर के इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ उसे अपन उसको ऐड कर देंगे उसमें फिक्स असेट्स परचेज किए उसमें तो उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। रिप्लेसमेंटेड फिक्स असेट्स ओइंग और द देयर डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बट इट डज नॉट कॉज एनी नेट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इट ओनली मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। इफ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट फिक्स असेट इज एक्सक्लूड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई चीज़ एक्स जो वर्न आउट हो गए फिक्स असेट्स में उसमें जो लेस कर देंगे उसको तो हमारे पास ग्रॉस में से उसको लेस करने के बाद तो क्या बचेगा नेट इन्वेस्टमेंट बचेगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कोई हमने जो फिक्स असेट्स है वो यूज़ ले ली है यूज़ ले रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमने लेस कर देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इट्स मीन्स वो दैट्स कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाइल फिक्स असेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज दे गो डाउन इन द वैल्यू ओइंग टू नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड इज एक्सीडेंटल डैमेज बियॉन्ड देयर रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे गो डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब कोई चीज़ में स्क्रैप होना कोई चीज़ कम ही होनी टूट फूट होना काम के ड्यूरेशन में इस तरीके की सारी चीज़ें हैं वो डेप्रिसिएशन होंगी उसका प्राइस घटा दिया जाता है ये डेप्रिसिएशन बोला। जैसे कि एक मशीनरी है उसको हमने 10 लाख रुपए में ख़रीदा कोई मशीन तो उस मशीन को काम लेते लेते हमें दो साल हो गई है तो उसको डेप्रिसिएशन लेस करेंगे कितना अमाउंट एक ये सारी रेट अलग अलग रेट दे रखी होती है कि 180 दिन से कम ली है तो इतना डेप्रिसिएशन 180 दिन से ज़्यादा ली है तो इतना डेप्रिसिएशन इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है वो सब अलग प्रोसेस होती है। दे गो डाउन इन वैल्यू आल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेट और आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड डेप्रिसिएशन इज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल बियर एंड टीयर नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल।
इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल कैपिटल फिक्स असेट्स एज कंज्यूम फॉर यूज अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ओइंग टू देयर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट्स रिक्वायर ए प्रोविजन फॉर फंड जनरली द प्रोविजन एस्टिमेटेड एन एनुअल बेसिस टू इलस्ट्रेट इफ ए मशीन इज परचेज 10 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज इन 10 ईयर्स द एनुअल प्रोविजन ऑफ फंड्स टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 लाख दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो हर साल के लिए 10 साल के अंदर एक जो चेंज होगा वो मशीनरी में 1 लाख रुपये का होगा जिससे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से जानते हैं। नाउ एक्स नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस ऑप्शुलेंस इज द कंस ऑप्शुलेंस मतलब आउटडेटेड कोई चीज़ आउटडेटेड होती है उसको एक्सपेक्ट वो उसको बोलते हैं ऑप्शुलेंस। द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस नीडेड टू बी एलोबरेट इट इज एसेंशियल टू नो द डिफरेंट बिटवीन एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑप्शुलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस। एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस हैज टू कंपोनेंट्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स व्हेन दीज बिकम ऑप्शुलेट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए तो उसे एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल ए प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड वाइट टीवी बिकम ऑप्शुलेट व्हेन टेक्नोलॉजी डिस्कवर प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड कलर टीवी ब्लैक एंड वाइट टीवी ऑटोमेटिक वो ऑप्शुलेट हो गई है आउटडेटेड हो गई है जब जैसे कलर टीवी डिस्कवर हुई तो इससे कहेंगे एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस एक्सपेक्टेड आउटडेटेड। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स व्हेन दीज बिकम ऑप्शुलेट आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन डिमांड डिमांड में चेंज हो गया है तो उसे तो भी उसे एक्सपेक्टेड आउटडेटेड कहेंगे। अब मैं बात करूं अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस और आउटडेटेड अकर्स ओइंग टू नेचुरल कैलिमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स फ्लड्स और फायर एंड सेकेंड इज फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड जो आउटडेटेड होता है उसे कैपिटल लॉस के नाम से जाना जाता है। दिज लॉसेज आर नॉट ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जितने भी अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो ऑप्शुलेंस हम जिनकी आशा ही नहीं करते हैं अनएक्सपेक्टेड अगर वर्ड से मीनिंग निकाले अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस आउटडेटेड तो ऐसी चीज़ है जो जिनकी हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की जैसे बाढ़ आ गई बाढ़ में पूरा माल बह गया तो उसे कैपिटल लॉस के नाम से जाना जाता है और एक्सपेक्टेड जिसकी हमने एक्सपेक्टेशंस कर रखी है कि इतनी वैल्यू उसकी कम होगी डिमांड चेंज हो सकती है इस तरीके से। ओके बच्चों थैंक यू सो मच।